नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। राज्यसभा सीट के लिए पूर्व कांग्रेसी कपिल सिब्बल को समर्थन देने वाली समाजवादी पार्टी के समर्थन को पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत दिलाने में मदद करने के लिए एक बदले के रूप में देखा जा रहा है। 2 साल से अधिक समय के बाद उनकी रिहाई हुई है। इसी तरह सपा के दूसरे राज्यसभा प्रत्याशी जावेद अली खान पर वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव का आशीर्वाद है, लेकिन जयंत चौधरी की राह आसान नहीं है। रालोद प्रमुख और सपा के सहयोगी जयंत चौधरी अब खुद को मुश्किल में पा रहे हैं। चुनाव से पहले उन्हें एक सीट देने का वादा किया गया था, लेकिन डिंपल यादव सपा की तीसरी और अंतरिम सीट के लिए एक गंभीर दावेदार बन गई है। राज्यसभा चुनाव में सपा का समर्थन पाने के बाद कपिल सिब्बल ने कहा, हम मोदी सरकार का विरोध करने के लिए एक विपक्ष में रहकर गठबंधन बनाना चाहते हैं और 2024 में ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि मोदी सरकार की गलतियां लोगों तक पहुंच सके। वहीं अखिलेश यादव ने सदन में मामले उठाने के लिए कपिल सिब्बल की दक्षता और उनकी कानूनी दक्षता की सराहना की। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच गठबंधन हुआ था। हालांकि इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अगर आरएलडी के जयंत चौधरी राज्यसभा जाने से चूकते हैं तो दोनों दलों के गठबंधन पर भी इसका असर पड़ सकता है। ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।